हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुश इंडिया। मैं हूं चंदन। एक्चुअली फैमिली के लिए एक कार चाहिए था, एक छोटी सी कार डेली यूज के लिए, तो मैंने एक कार चूज कर लिया है। लेकिन किस पॉइंट के ऊपर मैंने ये कार चूज किया वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। मेरे पास पांच पॉइंट था। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, मुझे सिटी ओरिएंटेड एक सिटी के लिए एक कार चाहिए, जो मैं मेनली सिटी में ही ट्रेवल करता हूँ, तो सिटी में बहुत ट्रैफिक जैम रहता है, तो इजी पार्किंग, इजी हैंडलिंग, तीन या चार फैमिली मेंबर एक साथ सिटी में आसानी से ट्रैवल कर सके, इसीलिए मुझे छोटी सी कार चाहिए और ये सारे गुण इस कार में है। पॉइंट नंबर टू, डिसेंट माइलेज, रीजनेबल प्राइस और रिप्यूटेड ब्रांड, ये तीन गुण भी इस कार में है और ये जो ब्रांड है ये है मारुति। पॉइंट नंबर थ्री, कोई भी कार खरीदने से पहले और खरीदने के बाद आपको बहुत बार शोरूम में जाना पड़ेगा, सर्विस स्टेशन में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए शोरूम घर के नजदीक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इजी एक्सेस के लिए, और ये शोरूम, इस कंपनी का शोरूम मेरे घर के बिल्कुल करीब है। ये था पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर फोर, इजी मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। इस कार को लेके आप इंडिया में हर एक जगह चले जाओ, वहाँ पर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है और ऑथोराइज शोरूम तो है ही, और इंडिया के हर एक गैरेज में हर एक मैकेनिक इस कार के बारे में जानते हैं। इस कार के ऊपर ही हर एक मैकेनिक शुरू करते हैं अपना इंजीनियरिंग, लोकल मैकेनिक जो है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो हर एक मैकेनिक इस कार के बारे में जानते हैं। और पॉइंट नंबर फाइव, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये एक मेजर हाईलाइटेड पॉइंट, ये है मेरा बजट। मेरा बजट जो था 3,50,000 से 4,00,000 रुपया के अंदर, 4,00,000 के ऊपर मैं 1,000 रुपया भी नहीं दे सकता, तो बिलो 4,00,000 के अंदर मुझे ये कॉम्पैक्ट कार चाहिए था। तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद और ये पांच पॉइंट देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया इस कार के बारे में। मैंने 14 दिन पहले, दो हफ्ते पहले ये कार बुक कर लिया था और आज डिलीवरी डेट है, शोरूम से फोन किया कि आज डिलीवर वो करेंगे, तो मेरे साथ आप भी चलिए और लेते हैं इस कार का डिलीवरी। और ये जो कार है बिल्कुल ब्रांड न्यू 2018 एडिशन मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 उत्सव एडिशन एलेक्साई वर्सन। चलिए शोरूम में आ गया है हम अभी, और ये है भंडारी ऑटोमोबाइल्स, मारुति ऑथोराइज शोरूम है ये, और अभी कुछ एक्सेसरीज फिट हो रहा है। अभी दो तीन घंटे का ये टोटल प्रोसेस है डिलीवरी लेने में। और मैंने ये जो कलर चूज किया है ये है ब्लेजिंग रेड। एक्चुअली फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स जो है उन लोगों का कॉन्सेप्ट यही था कि रेड कलर चाहिए, तो मैंने यही कलर चूज़ किया, ये है ब्लेजिंग रेड। और भी जो कलर ऑप्शन है ये है ग्रीन, सिल्वर, ग्रे, वाइट और ब्लू कलर ऑप्शन के साथ। ब्लू कलर जो है वो एब्सोल्युटली न्यू है, न्यू कलर मारुति ने इंट्रोड्यूस किया ये ऑल्टो 800 के ऊपर, तो ब्लू कलर भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, काफ़ी लुक्रेटिव है। मुझे ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फैमिली की प्रेशर के हिसाब से मैंने ये कलर चूज़ किया, ये है ब्लेजिंग रेड। और ये साइड में ऑल्टो 800 उत्सव ये 3D में लिखा हुआ है। और ओवरऑल ये जो साइड में ग्राफिक्स है उत्सव, ये बॉडी ग्राफिक्स HD का है मेनली, लेकिन ये बॉडी ग्राफिक्स मुझे पर्सनली काफ़ी लुक्रेटिव और एट्रैक्टिव लग रहा है। और ये अंदर का नज़ारा है, ये एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और ये बाएं तरफ AC है, ऑडियो सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम केनूट का मैंने लगाया है। और ये इनसाइड डोर का इंटीरियर है,
सीट के ऊपर कवर भी लगा दिया है। वैसे सीलिंग में मैं कुछ किया नहीं, मैं वैसे कोई किसी भी कार को बहुत ही सिंपल रखना पसंद करता हूँ, तो मैं ज़्यादा सजावट नहीं करूँगा, काफ़ी सिंपल, प्लेन एंड सिंपल में रखूँगा। और ये डिकी है और ये बूट स्पेस जो है ओवरऑल ये है 177 liters। और ये नीचे ये स्पेयर टायर है, एमआरएफ का ट्यूबलेस टायर है और साथ में कुछ टूल किट्स वगैरह भी है, जैसे कि जग्स और भी है एटसेट्रा, फर्स्ट एड किट भी है। और आइए आप देखते हैं टायर्स एंड व्हील्स। ये चारों टायर ही 12 इंचेस रिम साइज के साथ एमआरएफ ट्यूबलेस टायर है और जो व्हील बेस है ये है 2360 mm। और इस कार का जो टर्निंग रेडियस है ये है 4.6 meters। और आइए अब इस कार की डायमेंशन भी मैं आपको बता दूँ। ओवरऑल जो लेंथ है ये है 3490 mm और जो विड्थ है ये है अप्रोक्सीमेट 1490 mm और ओवरऑल जो हाइट है ये है 1475 mm और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 160 mm। और आइए आप खोलते हैं बोनेट और देखते हैं इंजन के बारे में। 796 cc 3-cylinder 12-valve के साथ ये इंजन है और इसके अंदर 12-volt मेंटेनेंस फ्री अमेरिकन कंपनी का बैटरी है। ये वाइपर के लिए वाटर स्पेस है, ये ब्रेक ऑयल है, ये इंजन ऑयल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और ये इंजन ऑयल का मेजरमेंट के लिए स्टिक है। और एक मेजर पॉइंट, ये गाड़ी के अंदर यहाँ पर चेसिस नंबर लिखा हुआ है और दाहिने तरफ इस गाड़ी का जो इंजन नंबर है वो लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्लैक पोर्शन देख रहे हो आप, ये फ्यूज बॉक्स है। और ये एक्सेसरीज पैकेज के अंदर ही ये सारी चीजें, जैसे कि ये फ्रंट गार्ड और ये फॉग लैंप भी ये एक्सेसरीज की अंदर है। मुझे इस गाड़ी का डायमेंशन जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है, काफी कॉम्पैक्ट है, काफी स्मॉल है। और आइए आप चलते हैं अंदर, ये एसी वेंट है। वैसे कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी इजी एंड सिंपल डैशबोर्ड के साथ यहाँ पर सारी चीज है। एसी और म्यूजिक सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार के लिए, तो ये दोनों चीज मैंने लगा दिया। और आइए आप बैठ के देखते हैं अंदर। और ये जो इंटीरियर पोर्शन है ये फैब्रिक डिजाइन के साथ काफी अच्छा है। और सीट वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेल कुशन सीट इस कार में है। मैंने ये कवर भी लगा दिया। और देखिए मेरा हाइट करीब 5 feet 9 inches की ऊपर ही है, तो लेग स्पेस काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ये पीछे बैठू या फिर सामने, लेग स्पेस काफी अच्छा है। लेग स्पेस में मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू माय हाइट। और ये इंटीरियर काफी प्लेन एंड सिंपल है। ये सन विजर है और अभी ये नंबर भी लगा रहा है।
और 1400 रुपया एक्स्ट्रा देके मैं ये फैंसी नंबर लिया है 0101। याद रहेगा, बहुत ही आसान नंबर है 0101, लेकिन इसके लिए मुझे अलग से 1400 रुपया देना पड़ा। और ये इनसाइड लैंप है, ये बल्ब है, कोई एलईडी नहीं है। सीट के पीछे ये सीट कवर के साथ जो चेन है, यहाँ पर कुछ रख सकता है, कभी इम्पोर्टेंट पेपर्स या फिर कुछ भी पानी का बॉटल वगैरह मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। और आइए आप चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर से कैसे दिखता है। बड़ा जो लुक से डिसेंट है, अच्छा है। और ये क्रोम फिनिश मिरर, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक से। वैसे ये मारुति 800 1979 और 1980 ऑनवर्ड्स चल रहा है, बहुत ही पॉपुलर वेरी डिमांडिंग हैचबैक कार है ये। अगर फैमिली का साइज छोटा हो तो ये कार बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग तो कार खरीदने के बाद कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड वैसे नहीं करते हमेशा, तो लोकल टूर के लिए या फिर सिटी राइड के लिए ये आई थिंक ये एक परफेक्ट कार है। ये एक कॉम्पैक्ट कार है, वेरी इजी, प्लेन एंड सिंपल, डेली यूज के लिए परफेक्ट है। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है और मन में कोई इच्छा भी नहीं है कि शो ऑफ करूँ, बड़ा कर लूँ। मुझे डेली यूज के लिए एक जो नीड है वो अगर पूरा हो जाए तो मेरे लिए काफी है। और यहाँ पर सामने ये हम फ्रंट बोनेट खोलने का स्विच है, ये पुल करने से आसानी से सामने जो बोनेट है वो खुल जाएंगे। और ड्राइवर सीट के नीचे ये दो स्विच है, एक तो फ्यूल कैप ओपन करने के लिए और दूसरा रेयर डिकी ओपन करने के लिए। ये अगर पुल करोगे तो फ्यूल कैप ओपन हो जाएंगे। आइए देखते हैं एक बार फ्यूल कैप ओपन हुआ कि नहीं। हाँ बिल्कुल हो गया है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है ये है अप्रोक्सीमेट 35 लीटर्स। और माइलेज एवरेज आई थिंक 20 किलोमीटर, कंपनी क्लेम ज़्यादा है लेकिन आई थिंक 20 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मुझे मिल जाएंगे सिटी के अंदर, ये काफ़ी डिसेंट है। और सामने ये दो पावर विंडोज़ का स्विच है, रियर डोर में जो विंडो है वो पावर विंडो नहीं है, मैनुअल आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन फ्रंट जो विंडो है ये इसका जो शीशा है ये पावर विंडो है, ये स्विच दबाने से काम हो जाएंगे। और एयर कंडीशनर का सिस्टम कुछ यहाँ पर है, ये बाएं तरफ जो है ये कुछ मोड्स है और बीच में ये फैन है, और दाहिने तरफ ये एसी नॉन एसी है और बीच में तो एसी ऑन ऑफ का स्विच है। ये मोड आप अपने जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हो। और इसके साथ ये केनूट का ऑडियो सिस्टम मैंने लगाया है, ये एक्सेसरीज पैकेज के अंदर ही है। और ये फ्रंट ग्लव बॉक्स है, कुछ भी गाड़ी का पेपर्स या फिर मोबाइल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। और ये फर्स्ट एड किट ये कंपनी ने गाड़ी के साथ दिया है।
और ये हैजर्ड लाइट स्विच है बीच में हाईवे में, या फिर कहीं पर अगर आप पार्किंग कर रहे हो तो हैजर्ड लाइट आप यूज़ कर सकते हो। ये हैजर्ड लाइट स्विच ऑन करने से चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करेगा। और यहाँ पर नीचे कुछ स्पेस भी दिया हुआ है। ओवरऑल ये डैशबोर्ड का जो फाइबर फिनिश है अच्छा है। और ये मिरर आप यहाँ से सेट कर सकते हो आपके जरूरत के हिसाब से, आप अंदर से ही ये मिरर सेट कर सकते हो। और ये ऑडियो सिस्टम फ्रंट डोर में लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो स्पीकर लगा हुआ है। पहले जो मारुति 800 लॉन्च हुआ था तब इतना कुछ नहीं था, इतना फैसिलिटी नहीं था, लेकिन जितना दिन आगे जा रहा है ये मारुति ने इस गाड़ी को ऊपर बहुत सारे अपडेट्स दे रहा है। और बाई तरफ यहाँ से आप वाइपर को कंट्रोल कर सकते हो और दाने तरफ ये लाइट्स वगैरह। और ये लाइट्स कंट्रोलर है। और यहाँ से आप ये जो स्विच है यहाँ से आप हेडलाइट ऊपर नीच अप डाउन कर सकते हो, अपने हिसाब से जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। और इस गाड़ी के ऊपर ये रूप में मुझे कैरियर लगाना था, लेकिन इस गाड़ी में कोई कैरियर लगाने का ऑप्शन नहीं है, आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो तो आरटीओ से, लोकल आरटीओ से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप ये लगा सकते हो। ये देखने में अच्छा है, या फिर लगेज कैरी करने में भी ये बहुत ही अच्छा है। और अभी कंपनी ने हमें ये चाबी हैंड ओवर कर रहा है। डैड ने ये नारियल कुछ संस्कारी काम है ये कर रहा है। और अभी मम्मी की बारी है। ये सारी चीज वो कंपनी ने शोरूम से ही हमें दिया है। और यहाँ पे टीका वगैरह लगा रहा है। मैंने जब स्कूटर लिया तब भी मैंने पूजा किया था, तो ये पूजा एक डिलीवरी के टाइम एक कंपलसरी चीज है हम इंडियन के लिए। और अभी चाबी हैंडओवर कर दिया है। ओवरऑल जो काम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है इंटीरियर और एक्सेसरीज का। ये मारुति सुजुकी लोगो, ये ऑल्टो 800 उस सब 3D लोगो के साथ है ये। वैसे ये कार बहुत लोगों का ड्रीम है, और हम जो बाइक तो रेगुलर यूज के लिए राइड करते हैं, लेकिन कार फैमिली के लिए एक कार होना चाहिए घर में। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और ये बजट आप अगर पे कर सकते हो तो आप ये कार आँख बंद करके ले सकते हो। रीसेल वैल्यू बढ़िया है, वेल इजी मेंटेनेंस के साथ ये मारुति ऑल्टो 800 है। ओवरऑल जो लुक्स है, जो डिजाइन है, जो डायमेंशन है, वेरी इजी टू हैंडल है ये कार विथ लुक्रेटिव लुक्स। तो घर में कोई भी ये कार आराम से ड्राइव कर सकते हैं। और अभी इंटीरियर का काम खत्म हो गया है, चलिए एक बार अंदर फिर से देख लेते हैं। ये नीचे मैट वगैरह सब कुछ दे दिया है। और अभी से ये कार मेरे पास ही रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है
और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो प्लीज मुझे पूछिए, मैं आगे वो आपको जरूर आंसर दे दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो डोर वाइजर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बारिश का मौसम है तो अचानक बारिश अगर आ जाए या फिर धूप से भी आप बच सकते हो, तो ये डोर वाइजर लुक्स वाइज बढ़िया है, अच्छा लगा। मैंने पर्सनली ये बोल के ये डोर वाइजर लगाया है और ये अंदर का नजारा है, अच्छा है, वेरी प्लेन एंड सिंपल। और ये परफ्यूम में ये एक्सेसरीज के साथ है और एक केनूट का रिमोट कंट्रोल है। वैसे मैं पर्सनली म्यूजिक का शौकीन हूँ, म्यूजिक सुनना मुझे पसंद है, आप जानते ही हैं। खोजिनिया में हर एक बाइक के ऊपर जो म्यूजिक मैं यूज़ करता हूँ, तो म्यूजिक होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, तो ये रिमोट के साथ ये केनूट का म्यूजिक सिस्टम मैंने लिया है। तो कार अभी रेडी हो गया है और चाबी हमें मिल गया है, एक बार और शोरूम के अंदर जाके हम कुछ फॉर्मेलिटीज से वो पूरा करते हैं, जैसे कि फीडबैक फॉर्म और सारे पेपर्स हम कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अंदर। यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं। ये ओनर्स मैनुअल है और सर्विस बुकलेट भी है। तीन सर्विस आपको करना चाहिए, कंपनी फ्री प्रोवाइड कर रहा है। 1000 किलोमीटर या फिर एक महीना, सबसे पहले जो सर्विसिंग है, एक महीना खरीदने के बाद आज की डेट के हिसाब से अगर एक महीना हो जाए या फिर 1000 किलोमीटर जो भी पहले होगा बाइक की तरह, उसी डेट में आके सर्विस करना पड़ेगा और तब एयर फिल्टर और इंजन ऑयल ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन एयर फिल्टर और इंजन ऑयल का पैसा मुझे देना पड़ेगा। और ये है प्राइस, ये है एक शोरूम प्राइस है 3,07,185.42। ये एक शोरूम प्राइस है, इसके साथ इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स मिला के मुझे ऑनरोड प्राइस अप्रोक्सीमेट 3,54,000 पड़ा है और इसके साथ कुछ एक्सेसरीज और डिस्काउंट सब कुछ मिला के अराउंड 3,56,000 मुझे पड़ा है। और जो ब्लू बुक है वो स्मार्ट कार्ड अभी तो नहीं मिला है, वो अगले एक डेढ़ महीने के अंदर हमें मिल जाएंगे। तो ये हो गया है, सब कुछ रेडी हो गया है, नाउ टाइम टू गो बैक होम। ये आ गया है मेरा कार 2018 मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 LXi उत्सव भर्सन। तो चलिए अंदर और देखते हैं अंदर से, तो चलिए मेरे साथ अभी कार के अंदर। तो ये काफी स्मूथ है, काफी कंफर्टेबल है, बढ़िया है, सीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल अच्छा है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, एंड अबव ऑल मेरा कार है, अपना कार। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक्स बटन पे दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए। और मुझे मालूम है इस वीडियो में खोज इंडिया का बहुत सारे व्यूअर्स अपने सपने को नजदीक से देख रहे हो, बस मेहनत करते जाओ ऑनेस्टी के साथ एंड आई विश बहुत जल्दी आपका भी सपना पूरा हो जाएगा। बस इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।